नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ आज से शुरू होगा बजट सत्र। सरकार पेश करेगी 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश किया जाएगा आम बजट। बजट से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, बजट पर सभी दलों से हो चुकी है बात। आज से एक नई परंपरा की शुरुआत। पहली बार रेल बजट और आम बजट आएगा एक साथ। पीएम ने की बजट पर सदन में सार्थक चर्चा की अपील। मुलायम सिंह की नाराजगी पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा नेताजी के साथ हूं। शिवपाल यादव आज जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दाखिल करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र के लातूर में जहरीली गैस से 9 मजदूरों की मौत। केमिकल की टंकी साफ करने के लिए अंदर उतरे थे मजदूर। महाराष्ट्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से हिला पाकिस्तान। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को 6 महीने के लिए किया नजरबंद। जमात उद दावा पर भी पाकिस्तान लगा सकता है प्रतिबंध। और वीजा बैन के आदेश का विरोध करने वाले अटॉर्नी जनरल को ट्रंप ने किया बर्खास्त। अटॉर्नी जनरल येट्स ने 7 मुस्लिम देशों के यूएस में एंट्री पर बैन लगाने वाले ट्रंप के आदेश का अदालत में बचाव करने से किया था इनकार। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।